नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। ये आज का वीडियो थोड़ा अलग है, ये पौंड के अपडेट के बारे में है। ये देख सकते हैं, ये मेरा पौंड है। रात में मैं इस पर इस तरह का पर्दा डाल देता हूँ ताकि ठंडी हवा अंदर ना घुसे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने ये देख सकते हैं। ये जाली जो है असल में दिन भर इसी पॉन्ड पर रहती है। वो देखिए, मोनू अभी बाहर आ चुका है। मैं वीडियो कट कर दूंगा ताकि ज़्यादा समय बर्बाद ना हो आपका। पर्दा एक बार निकाल लेता हूँ। ये जो देख रहे हैं आप, ये मेरा फिल्टर है। एक कूलर की मोटर है अंदर, एक पाइप के ज़रिए ये देख सकते हैं आप। और ये आउटलेट है। दिन भर ये कुछ ऐसा रहता है। ये जाली जो मैंने फिट की है, इसका एक कारण है। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये पेड़ जो है यहाँ बसेरा है एक ईगल का। तो क्योंकि मेरा पॉन्ड टेरेस पर है और मेरा टर्टल अभी इतने बड़े नहीं है कि वो ईगल से बच सके, तो इसलिए मैं जाली रखता हूँ दिन भर। आज 15 मार्च है, 15 मार्च 2020। मैंने 11 मार्च से इन्हें 2400 घंटे पौंड में ही रखा है। सोनू मोनू अब 24 घंटे पौंड में रहते हैं। पिछले 4 दिन से वो पौंड में ही हैं। 11 मार्च 2019 को मैं ले आया था इन्हें, और अभी 11 मार्च 2020 में ये पूरे एक साल मेरे पास हो चुके हैं। इन्हें एक साल में सोनू 6 इंच और मोनू 5 इंच हो चुके हैं। साइज़ का अपडेट भी आपको दूंगा। आज का जो वीडियो है वो अपडेट पर ही है पूरा। मैं ये जाली हटा लेता हूँ ताकि मैं आपको अपडेट दे सकूँ। वीडियो कट करूँगा अभी। मैंने जाली हटा दी इस पे से। अब आपको दिख रहा होगा मोनू, और सोनू यहाँ नीचे है। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, तो पानी अभी बहुत ठंडा है, इसकी वजह से ज़्यादा एक्टिव नहीं है। मैं इन्हें 9:30 के आसपास अभी खाना दूंगा क्योंकि आज ठंड थोड़ी ज़्यादा है। ये मेरा पौंड जो आप देख रहे हैं, पूरी तरह से अब धूप की वजह से इसका पानी हरा होने लगा है। इसे मैं डेली साइफन ज़रूर करता हूँ, लेकिन ये जो नीचे आपको पूरा शैवाल दिख रहा है, मतलब ग्रीन एल्गी, ये सिर्फ साइफन करने से नहीं जाती, वाटर चेंजेस करने पड़ते हैं मैसिव। हर हफ्ते 40% वाटर चेंज करता हूँ और रोज़ 10% वाटर। तो मैं आपको और एक बात दिखाना चाहूँगा। ये मोनू है, एक साल में इसकी ग्रोथ 5 इंच हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हुए हैं मेरे पास। ये सोनू है नीचे जो है वो। अभी पानी बहुत ठंडा है, इसके वजह से ये ज़्यादा एक्टिव नहीं है। जैसे ही धूप निकलेगी थोड़ी देर में, तो मतलब धूप आना शुरू हो जाएंगी तब, क्योंकि अभी
देख सकते हैं कि टाइम है थोड़ा, एक घंटे भर का टाइम है, फिर ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे। मैं आपको सोनू भी दिखा देता हूँ, ये सोनू है, देखिए आज आवार, ये 1 साल में इसकी ग्रोथ देखिए, 6 इंच का पूरा हो चुका है। शेल की लंबाई की बात कर रहा हूँ मैं, ये शेल यहाँ से लेके यहाँ तक 6 इंच, और इसका शेल जो है मोनू का यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर 5 इंच। तो अभी ऐसा हो चुका है कि इनकी साइज़ इतनी बड़ी हो चुकी है कि मैं इन्हें टैंक में नहीं रख सकता था, तो मैंने इन्हें पिछले 4 दिन से पॉन्ड में ही रखा है 24 घंटे। उससे पहले ये सुबह 8 से लेकर शाम के 6 बजे तक ही पॉन्ड में रहते थे, फिर टैंक में रहते थे मेरे पास, लेकिन अभी चारा ही नहीं रहा मेरे पास, तो इस वजह से मैंने इन्हें पॉन्ड में ही रखना शुरू किया। मैंने पिछली बार, आपको पता होगा, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि किसी को चाहिए हो तो बताइए, और मैंने कहा था उसमें साफ तौर पर कि मुझसे बड़ा पॉन्ड या आपके पास बहुत बड़ा टैंक हो तो ही कांटेक्ट करें, तभी मैं सोनू मोनू दूंगा। लेकिन फालतू लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, 2-2.5 फीट, 3 फीट, 3.5 फीट वाले टैंक वाले लोगों ने, और फिर मैंने उन्हें साफ तौर पर मना कर दिया। 3-3.5 फीट में अगर मुझे टर्टल रखने होते तो मैं खुद ही टैंक बना लेता, मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं 5 या 6 फीट का टैंक नहीं बना सकता अभी, इसलिए मैं इन्हें देने के बारे में बात कर रहा था। तो अगर किसी को चाहिए हो तो उसके पास इससे बड़ा पौंड होना चाहिए, ये आप पौंड जो देख रहे हैं, या फिर कम से कम 6 फीट का टैंक होना चाहिए। अगर 5 फीट भी है, 5 बाय 1.5 बाय 1.5, तो ठीक है, चल जाएगा, क्योंकि अब इनकी ग्रोथ जो है वो कंट्रोल में होने वाली है। पहले 6 महीने में सोनू जो है वो 5 इंच हो चुका था, मोनू 4 इंच, फिर उसके बाद के 6 महीने में सिर्फ 1 इंच दोनों में साइज़ बढ़ी है, मतलब सोनू 6 इंच का हो चुका है, मोनू जो है वो 5 इंच का हो चुका है। तो जो भी है, आप देख सकते हैं कि ग्रोथ कितनी हुई है पिछले 1 साल में इनकी ग्रोथ, जो मैक्सिमम हो सकती थी इस तरीके के पॉन्ड और छोटे से टैंक के हिसाब से और होममेड फूड से, वो हुई है। नेचर में भी ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ते, नेचर में भी आपने देखा होगा कि 1 साल में उसकी ग्रोथ इतनी नहीं होती, ये ग्रोथ जो है ये नेचुरल ग्रोथ है, किसी प्रकार के कोई भी हमने अलग चीज़ नहीं की है, सनलाइट और प्रॉपर फूड से ही ये ग्रोथ हुई है। वज़न भी काफ़ी है इसका, बहुत ज़्यादा वज़न है, तो किसी के पास बड़ा टैंक या बड़ा पॉन्ड हो तो ही कॉन्टैक्ट करें। पिछली बार जिन लोगों ने कॉन्टैक्ट किया था उन सभी को मैंने ब्लॉक कर दिया है। 3-3.5 फीट में आप इसे रखना चाहते हो, आपको समझना चाहिए कि 6 इंच का टर्टल, दूसरा 5 इंच का टर्टल, 3 या 3.5 फीट के टैंक में अगर मुझे रखना होता तो मैं खुद ही बना लेता ना, इतना टैंक छोटा, कम से कम लीटर कैपेसिटी का तो आपको हिसाब अंदाज़ा लगाना चाहिए। अगर किसी के पास बड़ी जगह है, बड़ा पॉन्ड है या बड़ा टैंक है तो कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये पॉन्ड जो है असल में ये बहुत गहरा नहीं है, डीप नहीं है, मैक्सिमम वाटर लेवल जो है वो 8 या 9 इंच ही भरी जा सकती है, वो आउटलेट जो आप देख रहे हैं ओवरफ्लो के, ये देखिए, ये जो है मैक्सिमम इतना है, मतलब मैक्सिमम मुझे लगता है 8-8.5 इंच वाटर भरा जा सकता है, जबकि अभी इनकी जो लंबाई है इस हिसाब से इन्हें मिनिमम 15 इंच गहरा पानी तो चाहिए, 18 हो तो अच्छा है, और ज़्यादा गहरा पानी हो तो और भी अच्छा। ये तो अभी ठीक है कि ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस तरीके के माहौल में ये रह रहे हैं, लेकिन नेचर में ये इस तरीके के कम गहरे पानी में स्ट्रेस में आने लगते हैं, इन्हें गहरे पानी की आदत होती है। यहाँ कैसा है कि यहाँ मैं इन पर ध्यान रखता हूँ हमेशा, इन्हें प्रॉपर फीडिंग करता हूँ, जाली भी होती है तो कोई प्रेडेटर इनके आसपास नहीं आ सकता, और ये बास्किंग प्लेटफॉर्म है आप जो देख रहे हैं, ये रही कूलर की मोटर, 180 रुपये की मोटर है ये, जो मैं पिछले लगभग 1.25 साल से यूज़ कर रहा हूँ,
अपने टैंक के लिए। ये फ़िल्टर भी असल में मेरे टैंक का ही फ़िल्टर है। तो बस आज का वीडियो यही था। थैंक यू।